गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आपका पहले में सिलेक्शन आ गया था, जैसे कि फर्स्ट प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट जो फाइनल था, आपका नेम आ चुका था, तो उसका जो लिंक जनरेट हो चुका है, जो पेमेंट करने के लिए, जो आपका एक सीट लेने के लिए उसका लिंक आ चुका है, तो आप क्या करेंगे, जो एडमिशन सेक्शन है उस पर जाना है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, स्क्रॉल करके जो स्टूडेंट हु हैव ऑफर्ड एडमिशन इन फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग कैन लॉग इन इनटू द एडमिशन पोर्टल यूजिंग द यूजर आईडी एंड पासवर्ड। आपका जो यूजर आईडी एंड पासवर्ड के जरिए आप एडमिशन पोर्टल में लॉग इन कर सकते हैं एंड सबमिट देयर फी लेटेस्ट बाय। जैसे कि इस वाले में फर्स्ट में हम जाते हैं तो देखने को जो मिलता है, डेस्कटॉप साइट, वो अगर मोबाइल से कर रहे हैं तो डेस्कटॉप साइट कर लीजिएगा। एंड वेलकम टू सेंट्रल लिमिटेड हरियाणा। जैसे कि आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म सबमिशन अप टू 31/10/2021 11:55 PM तक है। एंड ये जो रजिस्टर ईमेल आईडी लिखा है, यहाँ पे जो रजिस्टर ईमेल आईडी लिखा है, ये आपका ईमेल आईडी डाल देना है एंड जो भी पासवर्ड होगा उसके अंदर डाल देना है। एंड जो भी यहाँ पे कैप्चा होगा, ये जो कैप्चा कोड होता है, इसको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद लॉगिन करना है आपको। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, आप फॉरगेट पासवर्ड भी मार सकते हैं। जिसकी ईमेल एंड टच देके फॉरगेट पासवर्ड में हम जाते हैं, अगर तो एंटर योर ईमेल एंड एक यूजर आईडी। अगर आपका पासवर्ड याद नहीं है तो आपका जो भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगा उसको आप डाल के यहाँ पे, ये जो कैप्चा कोड है यहाँ पे डाल के एक नया पासवर्ड बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के लिए। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के लिए भी देखते हैं, जो पेमेंट पोर्टल CUJ पे जाएंगे। झारखंड जो ऑफिशियल वेबसाइट आ गया है, जैसे कि आप देख सकते होंगे यहाँ पे लिखा गया है पेमेंट लिंक फॉर फर्स्ट अलॉटमेंट सीयू सेट 2021 के लिए जो भी जो सिलेक्शन हुए थे उनका पेमेंट लिंक आ चुका है। जैसे कि आप पेमेंट करके अपना जो सीट है वो सेव कर सकते हैं। जैसे कि इस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट जो भी आ जाएगा इसको भी डेस्कटॉप साइड कर लेना है। वेलकम टू सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड एंड इनका भी सेम डेट है, ऑनलाइन एडमिशन जो भी है वो 31 तक की चलेगा, लास्ट है। तो आपको एक स्टिपुलेटेड टाइम में जो पेमेंट कर देना है, तो आपको वही जो रजिस्टर ईमेल आईडी दिया गया था व आपका जो रजिस्टर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड है एंड जो कैप्चा कोड है उससे लॉग इन करके आप कर सकते हैं। ये जो कैप्चा कोड है उससे लॉग इन करके कर सकते हैं। अगर अभी मैं बता रहा हूँ, अगर आपका पासवर्ड याद नहीं है तो फॉरगॉट पासवर्ड में जाके आप कर सकते हो। अगर कोई टेक्निकल एरर आता है, जैसे कि पेमेंट कट गया है और पेमेंट इशू और कोई भी जैसे कि टेक्निकल एरर आता है और आपका जो भी प्रॉब्लम है वो समझने में, तो आप एडमिशन हेल्प डेस्क में मेल कर सकते हैं और डायरेक्टली आप उनका जो नंबर दिया गया है मिस्टर दीपक कुमार के, आप कॉल कर सकते हैं PRO इस नंबर पे भी कॉल करके आपका जो भी प्रॉब्लम है आप बता सकते हैं एंड सॉल्यूशन पा सकते हैं। वैसे भी हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा में सेम ही था, तो जल्दी से जल्द आप जो है पेमेंट कर दीजिए।